नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपस्टॉक्स में कैसे चेक करते हैं। बहुत सारे लोगों को चिंता होती है कि हम ट्रेड तो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर हमारा स्टेटमेंट कहाँ पे दिखाई देगा, इसका बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों में। तो आज हम उसी के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए आप अपस्टॉक के एप्लीकेशन में नहीं जा सकते, एप्लीकेशन में अभी वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको कीस्टोन यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे कीस्टोन आपको सर्च करना है। जैसे ही पहला यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको कीस्टोन अपस्टॉक, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है मेरा, लॉग आउट करके एक बार आपको दिखाता हूं कि क्या होता है। यहां से क्या हो जाएगा कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड यहां आपको एंटर करने होते हैं। आपका जो डीमैट अकाउंट का यूजर आईडी और पासवर्ड है वही पासवर्ड आप यहां पे यूज कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके वो पासवर्ड नया भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा अवेलेबल है पुराना वाला, तो मैं वही यूज करूंगा। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये कीस्टोन का यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स और एक्शन का एक टैब दिखाई देता है। आप जैसे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लेजर रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, टैक्स रिपोर्ट, पोजिशन रिपोर्ट, होल्डिंग रिपोर्ट और ट्रेड रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स ओपन हो जाते हैं। जैसे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप वो वहाँ पे वो ओपन कर देते हैं। जैसे हमको लेजर रिपोर्ट देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेजर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। लेजर रिपोर्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे वो रिपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से आप ईयर सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप सेगमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद आपको इस गो पे सिलेक्ट करना है। जैसे हम सेगमेंट सिलेक्ट करेंगे फिलहाल एनएसी कैश मार्केट, मतलब ये कैश मार्केट के लिए हम देख रहे हैं और हम यहाँ पे गो कर देंगे। तो अभी तो यहाँ कोई डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई कैश में अवेलेबल ही स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पे डेटा नहीं दिखा रहा है। यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आपके एक्सेल शीट में जो डेटा यहाँ पे बन रहा है वो। इसी तरीके से आप अगर बैक जाओगे तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स में यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट भी मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी। आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे सेम यहाँ पे ईयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सेगमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे गो पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम सेगमेंट यहाँ पे आप इक्विटी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, कमोडिटीज सिलेक्ट कर सकते हैं और करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इक्विटीज में अगर जाएंगे और यहाँ पे हम गो करेंगे तो हमें यहाँ पे डेटा सब दिखाई देगा। ये देखिए अभी ये इक्विटी का मेरा जितना भी ट्रेड मैंने लिए है, ये बंधन बैंक का बाय का और ये सेल का, ये टाटा मोटर का बाय का और सेल का, और टोटल यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है और टर्नओवर कितना हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस दिखाई देगा, यहाँ पे आपको चार्जेस कितने पे करने पड़ते हैं वो दिखाई देगा और नेट आपका कितना वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आती है। इस रिपोर्ट को भी आप एक्सपोर्ट करके एक्सेल में आपके कंप्यूटर पे या फिर आपके टैब पे आप सेव कर सकते हो। आप एनालिसिस करने के लिए आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मैंने ट्रेड लिया हुआ है। बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप क्वार्टरली वाइज अगर स्टेटमेंट चेक करना चाहते हो, मंथली वाइज चेक करना चाहते हो, तो यहाँ पे जस्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और आपके यहाँ पे सेव भी कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। यहाँ पे एक्शन में सर्विस रिक्वेस्ट और कॉर्पोरेट एक्शन है। फिलहाल ये अंडर प्रोसेस है तो यहाँ पे सारी चीजें भी एक साथ नहीं ओपन होती है, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे अंडर प्रोसेस दिखाती है, तो ये अभी अंडर प्रोसेस है। लेकिन हमें जो चीजें चाहिए यहाँ पे, जैसे कि लीजर रिपोर्ट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और टैक्स स्टेटमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। हमें अगर ट्रेड रिपोर्ट देखनी है कि हमने कौन कौन से ट्रेड हिस्ट्री में लिए हुए हैं, पास्ट में लिए हुए हैं, वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। हमको सिर्फ ट्रेड रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रेड रिपोर्ट पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे सेगमेंट सिलेक्ट करना है और गो पे जाना है। यहाँ से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से टाइम फ्रेम में आपको देखना है कि कौन से डेट में मैंने कौन सा ट्रेड लिया था। अगर आपको 6 महीने पहले का ट्रेड पता करना है कि 6 महीने पहले मैंने कौन सा ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे डेट आप सिलेक्ट करके वो ट्रेड आप पता कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों वीडियो अपस्टॉक्स में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे देखा जाता है।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।